हेलो एवरीवन, आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि आँखों में स्ट्रेन, हैवीनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पेन की कंप्लेन करते हैं। ऐसे सिम्टम्स को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये पेशेंट्स ड्राई आई सिंड्रोम में फॉल करते हैं। अब ये आजकल ड्राई आई सिंड्रोम जो है, दिस इज़ बिकम वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, लाइक मोर ऑफ AC यूजेज, कंप्यूटर लैपटॉप्स पे ज़्यादा काम, आर्टिफिशियल लाइट्स, पोल्यूशन, ड्राइविंग, और आज के टाइम में जो कि लॉकडाउन के टाइम में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो उससे ऑनलाइन यूजेज और हो गई है, जिसकी वजह से डिजिटल स्ट्रेन और बढ़ गया है। अब ये ड्राई आईज़ होती क्यों हैं? बेसिकली हमारी आँख के ऊपर एक पानी की लेयर होती है जिसको हम टियर फिल्म बोलते हैं। ये टियर फिल्म जो होती है, इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो एक फैट लेयर होती है या लिपिड लेयर होती है, जो कि हमारी आँख में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, मियोबियन ग्लैंड्स, वो सिक्रीट करते हैं। जब ये मियोबियन ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो लिपिड लेयर जो होती है वो फॉर्म होना बंद हो जाती है और पानी की लेयर जल्दी सूख जाती है। इसकी वजह से आँखों में सूखापन आता है, जिसको हम ड्राई आइज़ बोलते हैं। पहले इसके ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को लुब्रिकेंट्स देते थे, आर्टिफिशियल टियर ड्रॉप्स, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स देते थे, या फिर पेशेंट को कहते थे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में इंक्लूड करो, जैसे कि नट्स के साथ फिश, फ्लैक्सीड। कुछ पेशेंट्स तो इससे बहुत खुश रहते थे एंड दे वर रियली सैटिस्फाइड, पर कुछ पेशेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड इट वॉज अ पेन टू सी योर पेशेंट्स अनहैप्पी। बट नाउ वी हैव अ न्यू थेरेपी विच इज़ IRPL, दैट इज़ इंटेंस रेगुलेटेड पल्सेशन थेरेपी, विच इज़ गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। इस थेरेपी में हम आँख के आसपास लेज़र से कुछ पल्सेशंस देके मियोबियन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को इन्हांस करते हैं और उनका फंक्शन रिस्टोर करते हैं। It is a very simple, fast and painless therapy. It has got amazing results aur ab hamare jo patients hain they are really satisfied and it is very pleasant for us to see our patients happy. Thank you.